हेलो गाइस, वेलकम टू इजी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। तो आज बात करते हैं कि किस तरह से हम ओवर ट्रेडिंग को रोक सकते हैं। इसमें दोस्तों मैं यहाँ कोई भी ये बात नहीं करने वाला कि आपको अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा या आपको अपने पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। नहीं, आपको अपने पर कोई अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करने की जरूरत नहीं है, अपने दिलो दिमाग पे कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा स्टेप है, जो आज पहले दिन ट्रेडिंग कर रहा है वो भी ये स्टेप कर सकता है। इससे ज़्यादा ईजी शायद कुछ और नहीं है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम सभी लोग मॉर्निंग में प्रॉफिट कर लेते हैं और उस प्रॉफिट को और बढ़ाने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं और लॉस खा जाते हैं। लॉस जाने का रीजन सबसे बड़ा दोस्तों जो होता है वो ओवर ट्रेडिंग होता है, वो सभी के साथ होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोफाइल सेक्शन में आ जाना है। आप नीचे देखेंगे प्रोफाइल पे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेगमेंट्स दिखाई देगा, बीएससी, एनएससी, सीडीएस सब लिखा है। आपको सेगमेंट वाले इस पर क्लिक कर देना है। सेगमेंट वाले पे जैसे ही आप जाके क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कंसोल खुल के, ये सारा काम मैं वॉइस से ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको किल स्विच का बटन दिख रहा होगा, तो आपको बेसिकली किल स्विच को डीएक्टिवेट करना है। यहाँ देखिए एनएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिससे हम इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं यहाँ से इसे ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा जैसे ही, चलिए इसको डीएक्टिवेट कर दें, तो एक नोटिस दिखाएगा कि आपका जो एक बार डीएक्टिवेट हो गया तो 12 घंटे से पहले आप इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। स्वयं यमराज भी आ जाएगा तो भी इसको एक्टिवेट नहीं करा पाएगा। तो इसको कंटिन्यू जैसे ही आप कर देंगे और सबमिशन पर क्लिक कर देंगे, दोस्तों कुछ चंद सेकंड लेगा आपका रिक्वेस्ट सबमिट होने पर। इसका फायदा यह है कि कई बार अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। हर कैंडल हमें ऐसा लगता है कि ट्रेड के लिए बुला रही है। तो एक बार आपने ऑफ कर दिया है इसको, देख सकते हैं जैसे मैंने अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है और मेरा जो ये सेगमेंट है डीएक्टिवेट हो गया है। अब ये कब एक्टिवेट होगा, ये होगा एक्टिवेट आफ्टर 30 अप्रैल 2023 शाम 5:50 के बाद। तो देख सकते हैं आप, करीब 12 घंटे से पहले मैं इसको जो है किसी भी कंडीशन में एक्टिवेट नहीं कर सकता हूं। तो ये एक बहुत बेस्ट तरीका है अपने आप को काबू में रखने का और ओवर ट्रेडिंग से बचने का। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।